चुनावी मुद्दा है, लोगों को गुमराह किया जाता है। एक देश में चार धर्म नहीं चलेगा, देश में चार तरह के लोग नहीं रहेंगे। ये हमको लगता है ये काम लेना सही है, हमको लगता है चुनावी मुद्दा है, चुनावी फायदा के लिए सब किया जा रहा है। बस चुनावी मुद्दा और कुछ नहीं है, चुनाव के समय में ये सब निकाला गया है। दो कानून की बात नहीं है, मतलब हर धार्मिक के जो दस्तूर हैं, जो कानून है वो लागू रहने चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की सियासी फिजा में यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज सुनाई दे रही है। पॉलिटिकल मुद्दा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसे नहीं कर सकते। और सब अपने वोट बैंक के लिए खरीद कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा और फिर बना रहे। सब चुनावी मुद्दा क्या बोलता है इससे और समाज में तनाव होगा? हाँ, समाज में तनाव होगा, एक दूसरे धर्म में जितना भी मेल मोहब्बत रह रहे हैं उसमें थोड़ा सा नफरत आ गया है। चर्चा तो पिछले 15 दिनों से हो रही है, लेकिन 27 जून को भोपाल में पीएम मोदी ने यूसीसी पर बयान देकर साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में देश का सियासी एजेंडा यही रहने वाला है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? यूसीसी पर सरकार की ओर से लगातार आ रहे बयानों से विपक्षी खेमे में खलबली मची है। जम्मू कश्मीर की राजनीति करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला की नाराजगी उनके इस बयान से समझी जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहूंगा, जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो कह रहे हैं यूसीसी की वजह से मुल्क के हालात बिगड़ सकते हैं। ये सब कुछ ड्रामा है और मैं समझता हूँ कि इस ये 24 की तैयारी के लिए है जी, क्योंकि सामने है इलेक्शन, इससे घबराए हुए हैं, इससे दूरियां पैदा होंगी, मुल्क में आप इख्तलाफात बढ़ेंगे और हालात बिगड़ेंगे। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सरकार का मकसद ही मुसलमानों को टारगेट करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। यूसीसी को लेकर कांग्रेस भी खुलकर विरोध में खड़ी है। पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल ABP न्यूज से बातचीत में आरोप लगाते हैं कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये मुद्दा उठा रही है। प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन जो है वो गैर मुनासिब है, उससे लगता है कि सरकार ने तय कर लिया है कि बाई हुक और क्रुक ये लाएंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा, ये DCC कहलाएगा, ये UCC नहीं, DCC कहलाएगा। ये डिवाइडिंग सिविल कोड है जो देश को बांटने के लिए फिर इस्तेमाल किया जाएगा। ये 2024 का एजेंडा है असल इश्यूज के ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए। BJP के विरोधी UCC के सवाल पर सरकार को घेरने में जुटे हैं तो हिंदूवादी संगठन UCC के फायदे गिनाने में जुटे हैं। आपराधिक मामलों में तो इंडियन पीनल कोड लागू होता है, शरिया का कानून नहीं लागू होता। बैंकिंग लॉस, कमर्शियल लॉस, कॉन्ट्रैक्ट के लॉस, प्रॉपर्टी के लॉस, इसमें से किसी में शरिया का कानून शामिल नहीं है। ये तो सब धर्मों की अच्छी बातों को लेकर कानून बनेगा, इसमें किसी को आशंका नहीं रहनी चाहिए।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और मोदी सरकार बारी बारी से अपने चुनावी एजेंडे को लागू करने में जुटी है। राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक के बाद यूसीसी अब सबसे बड़ा मुद्दा बचा है जिसे बीजेपी 24 से पहले लागू करना चाहती है।